फाइनली हम उत्तराखंड को छोड़ के हिमाचल प्रदेश में एंटर होने वाले हैं। थैंक यू भाई, बिल्कुल भाई, थैंक यू यार भाई। तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी कल आपने देखा था हम पेट्रोल पंप पर रुके हुए थे और भाई कल हमने कवर किया था 50 किलोमीटर और आज कवर करने वाले फोंटा से। तो आगे चलाएंगे भाई, अभी डेस्टिनेशन पक्का नहीं है कहाँ पे होते, तो फोंटा से आगे आज निकल जाएंगे। फोंटा यहाँ से 10 किलोमीटर बचा हुआ है। तो गाइस ये हमारे भैया जो हमारी रात को हेल्प कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच भैया। और चलिए अभी चलते हैं, फिर आना हुआ तो फिर कभी भी मिलेंगे। जरूर। फाइनली भी यहाँ से निकल रहे हैं और ये हमारे छोटे दो भाई बहन, तो बाय बाय टाटा। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं भाई यहाँ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया 11 बज गई यहीं पे हमें, तो निकलते हैं जल्दी। गाइस जहाँ पे कल रात को हम रुके थे वहाँ से 7 किलोमीटर आगे आने के बाद फाइनली हम उत्तराखंड को छोड़ के हिमाचल प्रदेश में एंटर होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पीछे, यहाँ से होती है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री। तो चलिए चलते हैं भाई। और भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया है और इंस्टा पे अभी मैं एक्टिव हो रहा हूँ, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर ले। अभी आगे का हमारा टूर है भाई, अभी शिमला जाने वाले हैं, फिर मनाली जाएंगे, कुल्लू मनाली। तो फिर भाई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो में, वो स्किप ना कीजिएगा, बस बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। हम एमपी से हैं, यूपी से, एमपी मध्य प्रदेश खरगोन जिले से। डेस्टिनेशन हमारी ऑल इंडिया चल रही सर जी, देखना है ना आराम से। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? हमारा MP10 केशव साइकिल जर्नी के नाम से। ठीक है, थैंक यू आंटी, थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ भैया को स्पॉट, यू आर नेम, अपना नाम बताओ। सिद्धार्थ। ओह नाइस टू मीट यू। MP10 जी, केशव साइकिल जर्नी भैया। कहाँ से हो आप? हिमाचल। हम भी हिमाचल जा रहे हैं अभी। चलो आओ जरूर हमारे पास, गुड लक करो भैया को। ठीक है, थैंक यू, और इसके लिए थैंक यू भैया ना। ठीक है सर, थैंक यू। पीछे अभी जो गाड़ी जा रही है वो भैया लोगों ने मैं अभी यहाँ पे आके रुके थे गाड़ी, तो भाई हेल्प करिए भाई, वहाँ पे आंटी जी ने हमें ये दिया तो थैंक यू सो मच। तो भाई यही हेल्प चाहिए मुझे भाई, थोड़ी थोड़ी करके हेल्प जो मिलती है ना, बहुत बहुत बड़ी हेल्प है भाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है। बस इतनी छोटी सी हेल्प भाई आप भी कर सकते हो, तो भाई अभी हमारे पास अभी सिर्फ बचे हुए 20 रुपीज़, और भाई आप मुझे थोड़ा सा कुछ हेल्प करना चाहते हो तो भाई मैं नीचे नंबर दे दूंगा, मेरे फ़ोन पे नंबर, तो भाई उस पर आप करना चाहे आपकी शिद्दत से तो कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं भाई, आपसे जितने हो सके। आंटी जी को मेरे को दिल से थैंक यू, क्योंकि भाई वो एक बात होती है ना भाई कि माँ सब जानती है भाई, भले चाहे किसी की भी माँ हो सब जानती है, तो ये दिया हमें, थैंक यू सो मच आंटी, अच्छा लगा हमें। तो अभी खाते और फिर भाई निकलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा ब्रिज बनाया हुआ है प्रॉपर सा, और यहाँ पे है ब्रिज का पानी रोकने के लिए, मतलब ब्रिज नहीं डैम बोलना चाहिए, डैम। तो ऐसे पूरा प्रॉपर डैम बनाया हुआ है यहाँ पे देखो ये, और यहाँ पे पानी रोक के रखा गया है। तो ये देखिए भाई, ये नदी कौन सी है भाई, मुझे पता तो नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। तो मैं बता देता हूँ, ये है यमुना नदी। हाँ भैया, हम MP से जी भैया। हेलो, अभी कहाँ जाना है? अभी तो यहाँ पे गुरुद्वारा में जा रहे हैं। तो ये यमुना जी है, और ये देखिए भाई, और भाई अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा, जो अक्सर आप सामने देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं और भोजन वोजन करके यहाँ से निकलते हैं। फिर गुरुद्वारा पहुँच चुके हैं, और भाई यहाँ पे जो क्रिकेट मैच हो रहा है, तो यहाँ पे भैया हमें बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो चलिए देखते हैं अभी हो के आते हैं वहाँ पे, फिर पता लगता है। केदारेश्वर से आप दे रहे हैं अमन का, हाँ बस।
सो फाइनली गए सभी, हम गुरुद्वारा से निकल के आ चुके हैं। वहाँ पे खाना वाना खाया प्रॉपर, और वहाँ पे जो क्रिकेट मैच चल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ अंकल जी और भैया लोगों ने मिले थे, तो उन्होंने हमारा मतलब जानकारी ली थोड़ी बहुत। मीडिया वाले थे या फिर पता नहीं क्या था, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी ली है कहाँ कहाँ पे गए हो, कहाँ कहाँ पे घूम के आए हो और उद्देश्य क्या है पूछा है और नोट किया है उनकी डायरी में। तो और वहाँ पे भाई बहुत देर तक रुके, मैच वैच देखे तो लेट हो गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज गई है, 3:30 से ऊपर हो गई है भाई। तो अभी हम गुरुद्वारा से बस निकल के आए हैं थोड़ी दूर, और अभी आगे के लिए निकल रहे हैं। तो अच्छा रहा खाना माना बहुत भाई, प्रॉपर था। मैं अंदर रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, मैं भूल गया भाई। तो अभी चलिए निकलते हैं भाई। अभी हम फोमटा साइड से आ चुके हैं, पूरे 30 किलोमीटर आ चुके हैं। और भाई यहाँ पे हमें एक भैया मिले थे, उन्होंने हमें ये प्रोडक्ट दिए थोड़े मतलब हाथ पैर दर्द करे। तो भैया मतलब कोई कंपनी में मतलब मैनेजमेंट का काम करते हैं हर कंपनियों में, तो कंपनी से लेके आए थे तो हमें दिया भैया ने, थैंक यू सो मच भैया को। और भैया ने यहाँ पीछे हमें चाय नाश्ता भी करवाया भाई। तो वक्त तो गाइस ये भैया लोगों ने हमें मिले हैं। तो भैया हेलो, मेरा नाम केशव है भाई, नाइस टू मीट यू भाई। हाँ हम एमपी से भाई, तो आप से ही जी जी थैंक यू भाई, बिल्कुल भाई थैंक यू यार भाई, थैंक यू भाई थैंक यू भाई। इधर के जो बंदे लोग हैं ना भाई बहुत अच्छे हैं यार। हर मुझे आज ज़्यादा मैं ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई हर 5-10 मिनट पे कोई ना कोई मिल जाता है भाई। भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ जाओगे बस भाई। तो भाई यही अच्छा लगता है भाई, मिले तो अच्छा लगता है भाई। तो चलिए अभी चलते हैं, व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और हम अभी नाहन गांव से भी बचा हुआ है हमारा 20 किलोमीटर दूर। तो भाई देखते हैं, अभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना नहीं हो पाया तो फिर कहीं पे भी रुक सकते हैं। नान सिटी तक पहुंचना था, नान सिटी यहाँ से 10 किलोमीटर बाकी है। और भाई आज उतना ही कवर कर पाए, क्योंकि भाई आज है ना पब्लिक, इतनी सारी पब्लिक मिली ना, अच्छा लगा बात करके, मिल के अच्छा लगा पब्लिक से। और हर 5 मिनट हर 10 मिनट पे कोई ना कोई मिल जाता भाई, तो अच्छा रिस्पॉन्स है भाई इधर का। और भाई पीछे का व्यू देखो, आप देखना आपको दिखाते हैं। देखो भाई आप वो अच्छे से दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन वो पहाड़ पे जो लाइट होने लग रही है ना भाई, वो रियल में आपको कैमरे में अच्छे से जस्टिफाई नहीं हो रही होगी, लेकिन भाई रियल में इतनी प्यारी लाइट लोन लग रही है ना, पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ उन पर सीरीज होने लगाई हुई है। और यहीं पर रुक रहे हैं आज हम, वहाँ पर टेंट लगाएंगे आज। वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, गुड नाइट, जय हिंद।